हरिओम। एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल पर आज का टॉपिक है टाइम इज मनी मोर देन मनी, वैल्यू ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। ऑल दिस टॉपिक्स माय गुरुदेव इन सब चीजों की वैल्यू करके, दैट्स व्हाई दे बिकेम मास्टर ऑफ सम 10 मिलियन पीपल। हाउ, यही हम सबको सीखना है। हमारा 24 घंटा उन्हीं लोगों के पास थे जो मोस्ट सक्सेसफुल सतपुरुष थे संसार में, जो सक्सेसफुल थे उन सब ने इन्हीं 24 घंटों में सब काम करे हैं। जब ये आ जाता है तो समझो वी आर द सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ। 70-80 साल का जो जीवन हमारा था हमने बहुत सफलता के साथ जिया है। उसके बीच में हमने जीवन और तनाव के बीच में संतुलन कैसे रखना था, जिसने रखा होगा उसका जीवन सुंदर होगा, जो संतुलन बैलेंस नहीं रख सका उसका जीवन स्ट्रेसमय गया है। इसके बीच में बैलेंस लाइफ में कितना कुछ आ जाएगा, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबीज, देन स्माइल फेस पे नहीं रहेगी, साउल जो हमारी प्योर नहीं रहेगी अगर हम बैलेंस नहीं रखते हैं। सही तरीके से हमने अगर अपने समय को मैनेज नहीं करा, हमने अपना जीवन जो अकॉर्डिंग टू एज जो है उसमें हमारी विकसितता नहीं आती है, हम मैच्योर नहीं बनते हैं। बुद्ध जो थे वो 40 साल में प्रौढ़ बन गए थे। प्रौढ़ माना ही बिकेम सो मैच्योर। अंदर की यात्रा कैसी होगी कि इन 40 इयर्स ही वाज लाइक 80 इयर्स ओल्ड, ही वाज वर्किंग, हिज ब्रेन वाज लाइक 80 इयर्स ओल्ड। ये सबको भगवान ने दिया है, सिर्फ हमारे पास सच्ची समझ के लिए कोई हायर कॉन्शियसनेस का मास्टर नहीं था, जिस कारण से वी रिमेन द फेलियर्स। अदरवाइज वी वुड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल पीपल पर्सन इन लाइफ। ये 21st सेंचुरी जो है, ये गुरुदेव हमें बोलते थे हमारे कि सबसे बड़ी बीमारी जो है अभी है ओवर वर्क फॉर मनी, स्टेटस, फेम, बट देयर इज नथिंग फैमिली, सोशलाइजिंग, कुछ भी नहीं बचता है उसमें। ये सब चीजें कैसे आती हैं, जब हमारा ओवर अटैचमेंट होती है इन सब चीजों के साथ। तो अटैचमेंट होगी तभी हम उसके लिए वर्क हार्ड करेंगे। हमारा मोक्ष, मुक्ति, हमारा लोक कैसे सुधरे, हमारा परलोक कैसे सुधरे, इन चीजों का हमारा ध्यान ही नहीं था। पहले भी मैंने वाणी में बोला 24 घंटे को हमने डिवाइड करना है 8-8-8। 8 घंटा हमको अपनी सेवा में रहना है, 8 घंटा नींद करनी है और 8 घंटा हमने पूरा अपने अध्यात्म की खोज में लगाना है। ये है हमारे पास पूरे दिन की रूटीन। उसको हम किस में डिवाइड करेंगे, मेरे फैमिली लाइफ ठीक रहे, उसमें हमारी खुशहाली रहे, 24 घंटे में मेरा कुछ भी कोई हमारे घर में तनाव नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो, उसको कैसे मैनेज करना है। इसके लिए सिर्फ एक सच्चे पुरुष की समझ से, सच्ची समझ से हम चल के आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैंने कहीं सुना था किसी कॉन्फ्रेंस में, पता नहीं किसके जहाँ कोई टॉपिक चल रहा था, तो एक ने बोला सपोज आई कीप हियर $90,000 वन साइड एंड योर फैमिली लाइफ वन साइड, व्हाट यू विल चूज। $90,000 के लिए किसी का हाथ ऊपर नहीं गया था, बिकॉज पहले फैमिली लाइफ चाहिए, हम कमा किसके लिए रहे हैं। जब वही नहीं है तो ये डॉलर्स वगैरह किस काम के। तो वो हैरान था कि एक ने भी हाथ खड़ा नहीं करा था। सेम जब गुरुदेव बोलते थे मनी इज यूजलेस, इसका मीनिंग ये नहीं कि मनी के यूजलेस है, हमको असेंस कैच करना था कि कितनी भी हमारे वो कलकत्ता में है राजू संत है, इज ए मिलियनेयर ट्रिल बिलियन, बट उनके पास आईसाइट उनकी ठीक नहीं हुई थी,
आप लोगों के पास भी कितने ऐसे अनुभव होंगे, जब गुरुदेव की नज़र से देखोगे तो आपको अपने भाई बंधुओं में ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। आज उनकी आंखें को कहीं भी किसी डॉक्टर से कहीं अमेरिका लंदन सब जगह लेके गए थे, वो ठीक नहीं हुई थी, एंड पैसा कितना था। इसीलिए सतपुरुष जब आते हैं हमारी जिंदगी में, हमें सच्ची समझ देते हैं, इसलिए वो बोलते कीप लेस अटैचमेंट विद मनी, कीप बैलेंस इन योर लाइफ, कीप लेस अटैचमेंट विद योर स्टेटस, देन योर फैमिली लाइफ विल बी ब्यूटिफुल, फ्रेंड्स होंगे, फेथ होगा, तो उसमें तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। इसको ही हमने जो विचार देना था वो लाइफ हमारी रियलिटी में खड़ी थी, लेकिन हमने विचार नहीं दिया था। लाखों चीजें ऐसी हैं जो मनी कैन बाय, बट हजारों चीजें ऐसी होंगी जो मनी कांट बाय। हंगर, स्लीप, बोलते ना वो माइकल जैक्सन क्या करता था, माइकल जैक्सन के पास $95,000 का बेड था और वो 15-20 गोलियां स्लीपिंग पिल्स खाता था और फिर भी उसको नींद नहीं आती थी। सपोज आई हैव ब्यूटिफुल हाउस, कितनी ये प्रॉब्लम बने भी हुए हैं, ये तो गुरुदेव ने आके हमें अध्यात्म में सत्संग में आके बताया, तुम एक घर खरीद सकते हो, यू कैन बाई ए हाउस नॉट ए होम। घर किससे बनता है? घर के सदस्यों से, प्यार वरा परिवार से बनता है, वो नहीं ले सकते हो। यू कैन बाई ए गुड बेड बट नॉट द स्लीप। यू कैन हैव ए गुड डॉक्टर बट नॉट द हेल्थ। मेडिसिन ही हमें सूट नहीं करे, अंदर लगे ही नहीं, तो क्या करोगे? दीज आर द थिंग, जब हम बैलेंस नहीं रखते हैं अपने काम में तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस बन जाती हैं हमारे जीवन में। हम टाइम की वैल्यू नहीं करते, उस टाइम को खो दिया, वो समय जो चला जाता है बाद में कहाँ हमारे हाथ आता है वो। इसीलिए अभी भी हमारे गुरुदेव बहुत ज़्यादा प्यारे थे कि जो यंग एज में आते हैं दे आर लाइक यू नो फ्रेश फ्लावर्स। विवेकानंद ऑलवेज यूज टू से जो यंग एज में आए हैं दे आर फ्रेश फ्लावर्स एंड ओल्ड एज लाइक मुरझाए फूल जो होते हैं। दिस इज ए प्रॉब्लम, बट गुरुदेव बोलते थे नहीं कोई बात नहीं, इनका जीवन संवर गया, इनको अच्छा राह मिल गई जिससे नेक्स्ट बर्थ इनका ब्यूटिफुल होगा। तो ये क्या है? इसीलिए बार बार है कि अपनी टाइम की मैनेजमेंट, समय की वैल्यू हम कैसे करें। कई बार कई मेरे पहचान में हैं, सीईओ हैं वो, उन्होंने ही एक बार बताया था कि वो कौन थे, बैरन बैफे, रिचेस्ट मैन था वो, सम 63 कंपनीज, कितनी उसने कंपनी चलाई थी। जब उनकी 50 इयर्स ओल्ड मैरिज हो गई, सो सम आई थिंक लंदन में सम 500 सीईओज और कितने लोगों ने इकट्ठे होकर उनको, दे वांटेड टू गिव हिम ए कॉल हिम एंड गिव ए पार्टी। उनमें से किसी ने उनको क्वेश्चन करा, हस्बैंड वाइफ दोनों थे, बैरन बैफे'स वाइफ आल्सो वाज देयर, दोनों पति पत्नी बैठे थे, तो किसने क्वेश्चन करा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पी फैमिली लाइफ। जो इंसान इतना बिजी है, इतनी कंपनी चला रहा है, इतनी कंपनीज हैं उसकी, और उसने कैसे मैनेज किया अपनी लाइफ को, फैमिली लाइफ को, तो उसने वाइफ, व्हाट शी डिड, वाइफ ने एकदम से माइक ले लिया हाथ में, उसने बोला मैं बताती हूँ। बैरन बैफे आज तक कभी भी 8 बजे टेबल पे उसके लेट नहीं हुए खाने के टेबल पे, बीइंग सो बिजी। टाइम का मैनेजमेंट बता रही हूँ, टाइम की वैल्यू बता रही हूँ मैं। और कभी भी वो मेरे साथ रात को खाने के बाद की सैर के लिए कभी भी मिस नहीं करा। और यही हमारे बच्चों के ऊपर ये सारा डिसिप्लिन गया है। नाउ वी हैव द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड हम चाहते हैं कि हमारी सारी वैल्यूज हमारे बच्चों के ऊपर जाएं। दीज आई एम टेलिंग यू सक्सेसफुल पीपल, जैसे हमारे गुरुदेव इतने दादा भगवान सक्सेस हुए हैं, इन्होंने टाइम की मैनेजमेंट करी है, तभी ये लोग बढ़ सके ना आगे।
टाइम मैनेजमेंट, टाइम की वैल्यू, टाइम मोर टाइम इज मनी, मोर देन मनी, इस टॉपिक पे हमारा जीवन खड़ा है। इस टॉपिक इसी में 24 घंटे में हमारे जीवन की प्रोग्रेस है। इसी 24 घंटे में हमको अपना जीवन सुंदर और मैनेज करना है, स्ट्रेस फ्री करना है, लाइफ को तनाव से के बीच में संतुलन बनाना है। इसलिए इन सब के होते हुए आप लोग सत्संग सुन रहे हो, सत्संग आते हो, उसके बीच में आपका फैमिली लाइफ को पहले देखना है आपने, फिर मेरे गुरुजी ने बहुत युक्तियाँ दी थी उससे, उसके लिए औरत के पास 404 चरित्र है, शी शुड नो ऑल द 64 कला होनी चाहिए हमारे पास, फिर हमारे जो नियर डियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सब हमारा संभला हुआ, इन सब में बैलेंस होना चाहिए। फिर मेन इम्पॉर्टेंट इज माई हेल्थ, हमारी हेल्थ हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हाइजीन कैसा होना चाहिए, जो आजकल वायरस के टाइम पे हमें कितना अपने को हाइजीनिक रखना है। हॉबीज़ कैसी क्लीन होनी चाहिए, जो सत्संग सुन रहे हैं, कितना 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 काम बन गया है जब स्पिरिचुअलिटी में हम आते हैं। हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड हाउ टू वैल्यू योर टाइम, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे ना। तो आई होप आज से हर कोई अपना टाइम टेबल बनाएगा, अपने को अध्यात्म की राह पे, रूहानी सफर यात्रा पे हम निकल पड़े हैं खुदा के बंदे किसी उजाले की तलाश में। हम सब भगवान करे सबको आशीर्वाद लगे और हम एक अच्छा जीवन, रोज एक 24 घंटे का दिन है हमारे पास, उसको हम सुंदर बना के अच्छा मैनेज कर सकें। हरिओम, गॉड ब्लेस।